हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो मैं हूं हनी। आज मैं आपको बताने वाली हूं स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग कैसे बनाना। इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूं। ये सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को आप फॉलो करने से पार्टी फंक्शन जाने के पहले चेहरा बहुत ग्लोइंग और चमकदार दिखता है। ताकि आप घर पे रहने के टाइम पे भी इसको फॉलो करने से अपना स्किन मोर हेल्दी और ग्लोइंग दिखता है। कम्प्लीटली दिखाने वाली हूं अपना चेहरे को कैसे साफ करना है और चेहरे का रंग को कैसे बढ़ाना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाली हूं। सो अच्छे रिजल्ट के लिए वीडियो एंड तक देख के आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को देखने के पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साइड पे बेल आइकॉन घंटी रहता है, उसको आप दबाने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। अगर आपको भी कुछ भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो वीडियो को नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ के 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिक्वेस्टेड वीडियो बना सकती हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हेल्दी स्किन पाने के लिए सबसे पहले एक क्लीन कटोरे में हमें लेना है कच्चा दूध। 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध लेना है, क्योंकि दूध अपना चेहरे को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करता है, तो इसलिए मैं कच्चा दूध ले रही हूँ। इसके बाद इसमें ऐड करना है हमें हनी, 1 चम्मच हनी ऐड करना है। आधी ऐड करके दो चीज़ को अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि कच्चा दूध से अपना चेहरा जो है अच्छी तरह मॉइस्चराइज होगा और हनी अपना स्किन के ऊपर टैन को डस्ट को दूर करता है और इससे अपना स्किन टोन भी बढ़ेगा और स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। इसलिए मैं कच्चा दूध और हनी ऐड कर चुकी हूँ। ये दो चीज़ को अच्छे से मिला लेना है। अब ये दो चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको कैसे इस्तेमाल करना मैं बताऊँगी। अभी इसको अप्लाई करने के पहले चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश करना है। वॉश करने के बाद एक कॉटन पैड लीजिए, कॉटन को इस सॉल्यूशन में अच्छे से डिप कीजिए, अपने चेहरे के ऊपर आँखों के नीचे ऊपर अच्छे से अप्लाई कीजिए कॉटन से, क्योंकि ऐसा अप्लाई करने से अपना स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करता है और स्किन को साफ़ करता है। क्योंकि शहद अपने चेहरे को साफ करता है, काले निशान दाग को भी मिटा के स्किन को टाइटनिंग और ब्राइटनिंग करता है। हेल्दी स्किन के लिए कच्चा दूध और शहद चेहरे के ऊपर हर रोज़ इस्तेमाल करने से स्किन जो है हर दिन हेल्दी रहता है, स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा, स्किन टोन भी बढ़ता है। तो इस तरह चेहरे के ऊपर, ऑल ओवर चेहरे के ऊपर, गले के ऊपर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। इस तरह आपका चेहरा बहुत टाइटन और ब्राइटन होगा। इसके बाद आप फेस पैक अप्लाई कीजिए। इससे चेहरे को साफ करने के बाद फेस पैक अप्लाई करने से अपना स्किन जो है मोर हेल्दी दिखता है, स्किन ग्लोइंग और ब्राइटनिंग दिखता है। अगर आपके घर में फंक्शन है, पार्टी है या फेस्टिवल है तो ईद के दिन भी इस पैक को ट्राई कीजिए। स्किन मोर हेल्दी और ग्लोइंग होगा और इससे स्किन का टेक्सचर भी बढ़ता है। इस तरह आप ट्राई कीजिए। अभी इसके लिए सबसे पहले क्लीन पॉटरी लेना है। इसमें हमें ऐड करना है रोज़ पेटल पाउडर। रोज़ पेटल पाउडर को रोज़ के पत्ते की माचे से सुखा के पाउडर बना चुकी हूँ, इसलिए मैं रोज़ पेटल पाउडर ऐड कर रही हूँ। रोज़ पेटल पाउडर से अपना स्किन का टेक्सचर अच्छा से इम्प्रूव होगा और इससे अपना स्किन टोन भी बढ़ता है, तो इसलिए मैं रोज़ पेटल पाउडर ऐड कर चुकी हूँ। और इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है दही, ऐड करके मिक्स करना है, क्योंकि रोज़ पेटल पाउडर अपना स्किन को हेल्दी बनाते हैं और इससे अपना स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होगा, स्किन टोन भी बढ़ता है, तो इसलिए मैं वो ले चुकी हूँ। अभी इसमें दही ऐड करके मिक्स करना है ये दो चीज़ को। दही अपना स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करता है, इससे अपना स्किन टोन भी इम्प्रूव होगा और अपना स्किन का टेक्सचर भी बढ़ता है। इसको चेहरा और बॉडी के ऊपर जहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है, ये 100% सेफ़ और इफ़ेक्टिव नुस्खा है। रोज़ पेटल को अच्छे से सुखा के मैं पाउडर बना के यूज़ कर चुकी रही हूँ। आप चाहिए तो रोज़ का पेटल को अच्छे से सुखा के पाउडर बना के यूज़ कीजिए, इससे स्किन का टेक्सचर भी अच्छा रहेगा और स्किन टोन भी इम्प्रूव होता है। ये 100% नेचुरल नुस्खा है अपने स्किन को टाइटनिंग बनाने का। अभी सेकंड डे पैक अच्छे से रोज़ पेटल पैक तैयार हो चुका है। अभी इस पैक को कैसे इस्तेमाल करना मैं बताऊँगी। इस पैक को चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है, चेहरे को अच्छे से साफ कर लेना है। करने के बाद इस पैक को आप ऑल ओवर चेहरा और गले के ऊपर अप्लाई कीजिए। आप चाहिए तो हाथों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैं रोज़ का पेटल पाउडर ऐड कर चुकी हूँ। ये अपना स्किन के अंदर दाग को, काले निशान को दूर करता है और इससे स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा, इससे स्किन टोन भी बढ़ता है, इसलिए मैं ये पाउडर ऐड कर चुकी हूँ। इससे स्किन टाइटन और ब्राइटन होगा। अगर आपका स्किन हेल्दी बनाना चाहे तो रोज़ पेटल स्किन को मोर हेल्दी करता है, ग्लोइंग करता है, दही अपना स्किन को मॉइस्चराइज करता है
और अपने स्किन के अंदर काले निशान है, काले दाग है, तो उसको भी हटाना है तो दही कंपलसरी यूज़ करना है। इसलिए मैं दही इस्तेमाल कर चुकी हूँ। ये पैक को अच्छे से मिक्स करके यूज़ करना है, क्योंकि आप जितना अच्छा मिक्स करोगे उतना अच्छे जेल मिलेंगे। इससे 100% स्किन टाइटन होगा और ब्राइटन भी हो जाता है। इसलिए मैं ये पैक अप्लाई कर रही हूँ। ये पैक चेहरे के ऊपर अप्लाई करके 10 मिनट तक छोड़ना है, क्योंकि 10 मिनट में चेहरा ये पैक अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती है। इसके बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश करके पहुँचना है। ये कंप्लीट प्रोसेस को आप कम से कम हफ्ते में 2 बार ट्राई कीजिए। ऐसा करने से स्किन मोर हेल्दी रहेगा, ग्लोइंग रहेगा, किसी तरह निशान भी नहीं रहने देता है चेहरे को, और उससे चेहरा क्रिस्टल क्लियर और सॉफ्ट बन जाएगा। ये 100% नेचुरल और सेफ इफेक्टिव नुस्खा है अपने स्किन को एंगर और टाइटनिंग बनाने के लिए, और इससे स्किन भी बहुत ही गोरा होगा और इससे अपना स्किन का टेक्सचर भी बहुत अच्छी तरह बढ़ता है। ये 100% नेचुरल और इफेक्टिव नुस्खा है स्किन को हेल्दी और गोरा करने के लिए। इस तरह ये 2 स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, स्किन मोर हेल्दी और टाइटन बन जाती है। ये हर स्किन को सूट होती है, इसको हर कोई इस्तेमाल कर सकते हो। इसे साइड इफेक्ट नुकसान कुछ नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है। अगर आपके घर में फंक्शन है, पार्टी है, ईद है, फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के दिन इसको ट्राई करके देखिए। उस दिन चेहरा पूरा ग्लोइंग और चमकदार दिखता है, मोर ब्राइटनिंग हो जाते हैं। ये हेल्दी स्किन पाने के लिए इन उसका हर कोई ट्राई कर सकते हो। ये 100% सेफ और इफेक्टिव नुस्खा है। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपको कमेंट पढ़ के मैं उसके आंसर जरूर दूंगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करें, और साइड पर बेल आइकन घंटी रहता है उसको दबाने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।